हेलो माय फ्रेंड्स, आज हमारे पास है हुंडई की एक्सेंट डीजल इंजन। और इसमें प्रॉब्लम है, ये चेक लाइट स्टार्ट पे ऑन है, ठीक है। और पिकअप का इशू है, कस्टमर कंप्लेन है, गाड़ी पिकअप सही से नहीं ले रही है। तो हम इसको डायग्नोस करेंगे। डायग्नोस करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं डायग्जन ऐप। डीएलसी पॉइंट इसका ये है। और इसमें हुंडई एक्सेंट, तो हम हुंडई लेंगे। एक्सेंट का अगर सॉफ्टवेयर आपके पास स्पेशली नहीं है तो आप विन नंबर से रीड कर सकते हैं। और i10 ग्रैंड डीजल और हुंडई एक्सेंट का दोनों का सॉफ्टवेयर सेम है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। 16 पिन। मैं हम स्कैनिंग का प्रोसेसर और कोड दोनों एक साथ देखेंगे। जनरल यहाँ पे एक्सेंट दिख रहा है, ठीक है। हमारी गाड़ी एक्सेंट, एक्सेंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, फाइल यूज़ करना होगा। ये i10 ग्रैंड एक्सेंट, i10 ग्रैंड यहाँ से भी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से भी हम देख पाएंगे नीचे i30, ये नहीं। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। ये जो i10 ग्रैंड और एक्सेंट दिख रहा है, 2014 मॉडल है हमारा। 1.1 सिस्टम सिलेक्शन, इंजन, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा P0101 का कोड है, P0103 का कोड है। दोनों मासेफ फ्लो सेंसर का ही है। तो इसमें आपका दो तीन रीजन हो सकता है। मासेफ फ्लो गंदा हो सकता है, मासेफ फ्लो का एयर फिल्टर भी मतलब चौक या डर्टी हो सकता है तो भी आएगा। वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सेंसर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इसको चेक करेंगे पहले कि एयर मास सेंसर कहीं हमारा गंदा तो नहीं है, और उसके बाद उसका वायरिंग चेक करेंगे। इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं, डायरेक्टली ऑफ कर दिया हमने। और ये हमारा ऑन है, तो हम वोल्टेज मेजर करते हैं। ए का बॉडी हमने इसको खोल लिया है, और मैं इसको भी खोल के रखा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एयर मास सेंसर तो हमारा गंदा नहीं है, शायद आपको सही नहीं दिख पा रहा है। देख पा रहे हैं आप उस तरफ सही से दिख रहा है। एयर मास सेंसर गट्टी नहीं है, ये सही है, ठीक है। तो हम चौक भी नहीं है, एयर फिल्टर भी हमारा सही है बिल्कुल। तो हम चेक करेंगे इसका वायरिंग और लास्ट में सेंसर। तो भाइयों, हमने यहाँ पे वोल्टेज मेजर करना चालू किया। जब तो मान लीजिए आपके पास इसका कोई भी पिन आउट नहीं है, कोई भी सिस्टम आपको मालूम नहीं है कि कौन सा में क्या आएगा, ठीक है। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, मल्टीमीटर पे भी देखा। तो इस तरीके से अगर प्रोब लगाते हैं मल्टीमीटर पे, एक जैसे इसमें हमने माइनस लिया हुआ है, यहाँ पे हमें प्लस आ रहा है, मतलब इससे पॉजिटिव आ रहा है 5 वोल्ट का, और इस पे भी और इस पे भी, और ये वाले पे हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और ये वाले पे नहीं आ रहा। तो इसको हम प्रोब को यहाँ पलट देंगे, प्रोब को यहाँ पॉजिटिव मिल लेंगे जब भी हमने नेगेटिव में लिया था, और इसको यहाँ से देखेंगे तो हमारा ये काम कर रहा है। तो इसमें हमने पलटा तो इसमें हमें ये मिल गया, करंट मिल गया आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं आया, इसमें कुछ भी करंट नहीं आया दोनों तरफ से भी। तो जब किसी वायर में अगर कंप्यूटर से कोई भी रिफरेंस वोल्टेज नहीं आता है, 1, 2, 5 कुछ भी, तो उसका मतलब वायर ओपन सर्किट है कहीं ना कहीं से भी। कंप्यूटर का अगर प्रोब पलट के आप चेक करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिफरेंस वोल्टेज मिलेगा ही मिलेगा, जो कि इसमें हमें माइनस लेने से भी नहीं आ रहा है और प्लस लेने से भी नहीं आ रहा। तो हमने जब यहाँ पे काफ़ी गौर से देखा तो शायद आपको भी दिख रहा होगा, ये वायर यहाँ से ब्रेक है इंटरनली। ऊपर से कवरिंग किया हुआ है, कवरिंग चढ़ा हुआ है, लेकिन अंदर से ये देख रहे हैं ब्रेक है, ठीक है। तो इसको मैं जब ऐसे खींचूँगा, ये देखें, तो हमारा एक्चुअल फॉल्ट यही है, जिसको हम सोल्ड करेंगे। और सोल्ड करने के बाद देखेंगे अपना DDC जो प्रेजेंट में था उसका क्या कंडीशन है। तो वायर हमने ज्वाइन कर लिया, टेपिंग वगैरह कंप्लीट है। अभी हमने रीड किया तो देख पा रहे हैं ये कोड जो हमारा प्रेजेंट में था, हिस्ट्री में है, स्टेटस देख रहे हैं आप।
तो अभी हम क्लियर करेंगे तो कोड आसानी से क्लियर हो जाएगा और हमारा चेकलेट भी ऑफ रहेगा। तो भाइयों, मैंने जैसे कि कैनबॉक्स पे आपको बताया था कि कैनबॉक्स का वीडियो आपको चाहिए तो अपना लाइक ज़रूर करें, और कैनबॉक्स का वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हमारी चेक लाइट ऑफ है और फिर से देख पा रहे हैं आप, चेक लाइट यहाँ है, स्टार्ट करने पे ऑफ हो जा रही है। तो भाइयों, इस गाड़ी का तो फॉल्ट सॉल्व हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।